केन की हाइट है 7 फुट और बिक्सो की हाइट है 7 फुट, लेकिन केन बिक्सो से इतना छोटा क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे WWE के न्यू रेसलर वर्सेज ओल्ड रेसलर के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कुछ ज्यादा खास, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मैंने इस सीरीज पर पहले भी दो वीडियो बना रखी है, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी पार्ट 2 वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने उसमें आपको बताया था कि पहले के टाइम में WWE के पास जायंट रेसलरों की कमी नहीं थी। दोस्तों, पहले के टाइम में WWE के पास खली, बिग शो, केन, अंडरटेकर, नेथन जोन्स और मैट मॉर्गन जैसे जायंट रेसलर थे, जिनकी हाइट 7 फुट और 7 फुट के आसपास थी, और जिसके कारण हम काफी एक्साइटेड होते थे ये देखने के लिए कि केन और अंडरटेकर में से कौन ज्यादा खतरनाक है, खली और बिग शो में से किसकी हाइट ज्यादा है। इसके अलावा केन और बिग शो, इन दोनों की हाइट 7 फुट है, लेकिन केन बिग शो से इतना छोटा क्यों है? तो दोस्तों, पहले हम इन सब चीजों को नोटिस करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें जायंट रेसलरों की, तो आज के टाइम में WWE के पास कोई जायंट रेसलर है नहीं। लेकिन फिर भी आप इधर उधर देखेंगे और सोचेंगे कि नहीं, कोई ना कोई जायंट रेसलर तो होगा। लेकिन आज के टाइम में WWE के पास जो जायंट रेसलर है वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन, इसके अलावा बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों, अगर हम इनकी हाइट देखें तो हाइट के हिसाब से ये जायंट रेसलर है नहीं, क्योंकि पहले के टाइम के जो जायंट रेसलर थे उनकी हाइट 7 फुट होती थी या फिर 7 फुट के आसपास होती थी। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की हाइट है 6 फुट 8 इंच, ड्रू मैकइंटायर की हाइट है 6 फुट 6 इंच और बैरन कॉर्बिन की हाइट है 6 फुट 8 इंच। तो दोस्तों, इतनी हाइट पहले के टाइम में स्निट्स की, हेडन रिच और JBL की होती थी। लेकिन दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बिन आज के टाइम के जायंट रेसलर हैं। इसके अलावा दोस्तों, पहले के टाइम में हैवीवेट रेसलरों की भी कमी नहीं थी। दोस्तों, हैवीवेट रेसलर का मतलब हैवीवेट चैंपियनशिप से नहीं है। दोस्तों, हैवीवेट रेसलर का मतलब है भारी भरकम रेसलर, जिन्हें हम सुमो रेसलर भी कह सकते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम में WWE के पास बिग शो, रिकीसी, मार्क हेनरी, उमागा और विस्केरा जैसे भारी भरकम रेसलर थे, जिन्हें हम सुमो रेसलर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में WWE के पास कोई भारी भरकम रेसलर है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही रेसलर देखने को मिलेगा और आप फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ऐसा रेसलर है जो आज के टाइम का WWE का, जिसे आप जायंट रेसलर भी बोल सकते हैं, जिसे आप भारी भरकम रेसलर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना पुराने वाले रेसलरों से करते हैं, तो ये ना तो जायंट रेसलर है ना ही भारी भरकम रेसलर है। क्योंकि दोस्तों, पुराने टाइम में जो जायंट रेसलर थे उनकी हाइट 7 फुट और 7 फुट के आसपास होती थी। और जहां बात आती है सुमो रेसलर की, तो पुराने टाइम में जो सुमो रेसलर थे उनका वेट 400 पाउंड से 500 पाउंड के बीच में होता था, जैसे कि बिग शो, मार्क हेनरी, विस्केरा, रिकीसी और उमागा। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की हाइट है 6 फुट 8 इंच और वेट 380 पाउंड। इतनी हाइट और इतना वेट पहले के टाइम में एल्बर्ट का था, जिसे हम ए ट्रेन भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि और कोई सुमो रेसलर आज के टाइम में है कि नहीं है, तो फिर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको एक रेसलर और मिलेगा, जिसका नाम है समोआ जो। इसे भी आप सुमो रेसलर आज के टाइम में बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सुमो जैसा लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम समोआ जो का वेट देखते हैं, तो समोआ जो का वेट है 280 से 285 पाउंड। इतना वेट दोस्तों पहले के टाइम में ना ब्रोक लेसनर, गोल्डबर्ग, स्टोन कोल्ड और बटिस्टा का होता था, 300 पाउंड के आसपास। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो समोआ जो है उसका वेट है 280 से 285 पाउंड, और वो देखने में थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि सुमो रेसलर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहले के टाइम में ब्रोक लेसनर और बटिस्टा का वेट 300 पाउंड होता था, लेकिन फिर भी वो देखने में कहीं से भी भारी भरकम रेसलर नहीं लगते हैं, क्योंकि बटिस्टा और ब्रोक लेसनर की बॉडी काफी मस्कुलर थी अपने टाइम में, और वो काफी फुर्तीले रेसलर थे। तो दोस्तों, पहले के टाइम में WWE के पास जायंट रेसलरों की कमी नहीं थी, जिनकी हाइट 7 फुट और 7 फुट के आसपास होती थी, और सुमो रेसलर की कमी नहीं थी, जिनका वेट 400 पाउंड से 500 पाउंड के आसपास होता था। तो दोस्तों, पुराने टाइम में हम काफी एक्साइटेड होते थे ये देखने के लिए कि बिग शो और खली में से किसकी हाइट ज्यादा है, केन और अंडरटेकर में से कौन ज्यादा खतरनाक है, रिकीसी और मार्क हेनरी में से कौन ज्यादा भारी भरकम है, और बिग शो और विस्केरा में से कौन ज्यादा भारी भरकम है। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है आज के टाइम की, तो आज के टाइम में WWE के पास ना तो कोई जायंट रेसलर है और ना ही कोई सुमो रेसलर है। तो दोस्तों, इससे फर्क ये पड़ता है कि पहले के टाइम में हम WWE देखते समय बोर नहीं होते थे, क्योंकि पहले के टाइम में जब हम 2 घंटे की रो या स्मैकडाउन देखते थे, तो हमें पता होता था कि हमें गोल्डबर्ग, ट्रिपल एच, ब्रोक लेसनर और कर्ट एंगल के अलावा जायंट रेसलर जैसे कि खली, बिग शो, केन, अंडरटेकर, नेथन जोन्स, मैट मॉर्गन और सुमो रेसलर जैसे कि मार्क हेनरी, रिकीसी, उमागा, बिग शो, विस्केरा भी फाइट में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम में WWE के पास सिर्फ गिने चुने रेसलर हैं। तो दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से आज के टाइम में WWE की व्यूअरशिप बहुत कम रहती है, और WWE को बीच बीच में पुराने रेसलरों की जरूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें पुराने टाइम में बटिस्टा, जॉन सीना, स्कॉट स्टाइनर, एज और रे मिस्टीरियो जैसे रेसलरों की फाइट भी देखने को मिल जाती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, ताकि आपका भाई राहुल पंडित आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी रेसलिंग की वीडियो लाता रहे।